मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तो चाहती हूँ शंकर मेरे पास ही रहें, उनकी कश्मकश उनके पास है, बट मैं इस मोमेंट में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि शंकर मेरे साथ हैं और कैसे मैं पारों से उन्हें दूर रखूँ। मेरे लिए तो हमेशा से यही एक मुद्दा रहा है शंकर को पाना। वो कोशिश तो यही है, वो तो चाहती है कि मैं शंकर को कहीं जाने ना दूँ, तभी वो पारों से लड़ती है, उसको सुनाती है, उसको बहुत कुछ बोलती रहती है। तो वो तो हमेशा से यही चाहती है कि शंकर उसके पास ही रहे। हर एक ट्राई ज्योति करेगी जब तक वो है शंकर की लाइफ में, वो ट्राई करेगी कि मैं पारो को उसके करीब नहीं जाने दूंगी। हाँ, मुझे 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 बहुत फ़ायदा हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ का ब्लेम पारो पे ही फटता है, तो मुझे बहुत सबसे ज़्यादा खुशी थी कि चलो ये ब्लेम भी पारो पे ही चला गया। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैं हमेशा से चाह रही हूँ कि पारो हर बार शंकर की नज़रों में गलत ठहरी जाए, और वही होता आ रहा है अभी तक। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मतलब मुझे वो पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं कि पारो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं खुद बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके का कैरेक्टर करूँगी या मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी वो अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ कि कैसे एक नेगेटिव कैरेक्टर कैसे किया जाता है। उसके लिए मैं ज़्यादा तो ये बोलूँगी कि आप देखते रहिए, देखते रहिए। नागपंचमी का एक सीक्वेंस है, आप उसमें बहुत कुछ देखेंगे कि कैसे मेरी कुछ चलाकियों की वजह से कैसे बबली फंस जाती है। तो आप वो देख सकेंगे, वो आगे आपको पता चलेगा कि बबली की शादी का ट्विस्ट क्या है। यार थैंक यू।